नमस्ते डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू कराए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिफोर मूविंग अहेड, इससे पहले कि हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करें, आपके लिए एक बम्पर ऑफर है। ऑफर है ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ आपको प्लस कोर्स जो है फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, ये एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। ऑल्सो आप जान के रखिए कि क्रिएटिव कॉर्नर, जिसमें हम बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं दैट आर नॉट इन द सिलेबस बट डेफिनेटली ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगी। सो आप देख पा रहे हो, क्रिएटिव कॉर्नर 2 मंथ्स एंड एमएच बोर्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स आपको फ्री मिल रहा है। दैट मींस 12 मंथ सब्सक्रिप्शन में अगर आप एनरोल करते हो, यू विल गेट 2 मंथ एडिशनल फ्री। ठीक है। ऑल्सो ये ऑफर कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए वैलिड है, दैट इज वैलिड फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन। सो आइए हम क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन हमने काफ़ी कर रखे थे और अब उसके बाद हम नए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, एक बारी ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आ रहा है आपको करने, फिर मैं सॉल्यूशंस पे आता हूँ। यू हैव 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए बच्चों, एक बारी आ रहा है क्या ये करने। ओके, द टाइम इज अप। The element of second row and third column of inverse is, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, आप इनवर्स निकालिए बाय एडजॉइंट। दूसरा है आप ए इनवर्स निकालिए बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप इनवर्स निकालिए बाय कॉलम। ठीक है। सो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन की सॉल्विंग पे आते हैं। कौन से मेथड प्रेफर करोगे आप, प्लीज बताइए। मेरे पास एक शॉर्टकट भी है इसका। जब भी हम ए इनवर्स निकालते हैं, उसमें क्या मिलता है, 1/ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। इनका कहना है कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो ये क्या रहेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो दिस इज द एलिमेंट दैट वी नीड। अब यहां पे जो एलिमेंट मिलेगा ना, विच इज एक्चुअली को फैक्टर का ट्रांसपोर्ट, एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब ये यहां पे है, ये यहां पे, ठीक है। ओके, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज लिया हुआ है, मतलब ये एलिमेंट जरूर, देखो ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया होगा यहां पे, ठीक है। यहां पे हमने सेकंड रो को क्या बनाया, सेकंड कॉलम। तो ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली हमको जो एलिमेंट चाहिए ना बच्चों, वो कहां पे चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। सो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्विंग करते हैं। A32 निकालते हैं और उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं।
सो ए थ्री टू इज माइनस वन रेस टू थ्री प्लस टू एम थ्री टू। अच्छा इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी बच्चों देखते हैं, वन, वन माइनस जीरो इज वन, फॉर माइनस टू टू एंड देन वन एंड देन वन। माइनस टू आ रही डिटरमिनेंट। अच्छा एम थ्री टू कितना आ रहा है कैलकुलेट करिए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस टू आ रहा है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना दोस्तों, माइनस वन इज द फाइनल आंसर, खत्म फिनिश ओवर। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। आपने देखा मैंने आपका समय बचा दिया क्योंकि हमने सीधा एक एलिमेंट को ही टारगेट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग, यू हैव वन मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए आ रहा है क्या सॉल्व करने। जस्ट ट्राई योर बेस्ट, देखिए बच्चों आ रहा है क्या। और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पर उन पे जाने के पहले आप इसको जरूर सॉल्व कर लें। मैंने तो सॉल्व कर लिया माइंड। देखो इसकी ट्रिक है, मैं ट्रिक सिखाता हूँ क्या। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए किड्स, व्हाट वुड बी द डिटर्मिनेंट वैल्यू। टू इंटू टू हो जाएगा फोर, बीच में आता है बाय डिफॉल्ट माइनस ट्वेल्व, सो माइनस एट वुड बी द फाइनल आंसर। तो माइनस बहुत सारी जगह पे हमको दिख रहा है ए में तथा बी में, सो बाहर की वैल्यू मैच हो गई। अब बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनकी प्लेस चेंज करो। ये देखो प्लेस चेंज हो गई, ठीक है, इधर चेंज नहीं हो रही है। नॉन डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं दोस्तों, इनकी साइन चेंज करो, सो साइन चेंज हो गई। सो ये सारे क्राइटेरिया पे ए मैच हो रहा है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात, जो ये है सही आंसर है। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने सॉल्व किया है। देखो एक और बार फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और 30 सेकंड में दे रहा हूँ बस। सो ए इज फाइंडिंग एंगल्स, चलिए यू हैव ओनली वन मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए दोस्तों आ रहा है क्या करना है। पांच सेकंड बाकी है, थ्री टू वन गो। अब देखिए व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक इनवर्स ऑफ टू बाय टू मैट्रिक्स देयर इज अ शॉर्टकट मेथड अवेलेबल। बाहर डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख दो, डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज, नॉन डायगोनल की साइन चेंज, खत्म फिनिश ओवर। So it was a really nice question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला, इसका इनवर्स निकालना है। यू हैव वन मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं आ रहा है क्या करना है।
चलिए हम लोग अभी सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। और बेसिकली कैसा है ये क्वेश्चन में, इसका इन्वर्स निकालना है। सो सबसे पहले जब कभी भी हम इन्वर्स निकालते हैं तो दो तरफ मैट्रिक्स होते हैं, इस तरफ होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इस तरफ मतलब मैट्रिक्स होता है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। सो इफ़ यू इंटरचेंज दीज टू रोज तो आंसर मिल चुका है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस तरफ इंटरचेंज करेंगे तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो दोस्तों बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा इन्वर्स है। सो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इट्स इटसेल्फ का इन्वर्स, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये खुद का ही इन्वर्स है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। गॉट इट, बढ़िया, ऑसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस टर्म। देखिए आ रहा है क्या करना है आपको, और यू हैव 1 मिनट टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से देखो। देखिए इसका इन्वर्स निकालना है, मल्टीपल वेज है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से ए इनटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। आप एडजॉइंट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नॉट नो इश्यू एट ऑल। आपको जो ठीक लगे मेथड आप वो यूज करिए। दैट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 - 3 - 4 2 - 3 - 4 0 - 1 - 1। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि रो वन में सबको 3 से डिवाइड कर देना चाहिए, क्या लगता है? या फिर रो वन माइनस रो टू कर देना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा बताइए जरा। -3 - 2 - 1 - 3 - -3 ये जाएगा 0, 4 - 4 हो जाएगा 0, ये जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये 0। देखो बाकी एलिमेंट जैसे के तैसे, अब इसके बाद ना मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, इट विल सेव अवर टाइम, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस टू टाइम्स ऑफ रो वन। तो बेसिकली ये हमारा अन अकेडमी का लोगो है, इसको डबल करके माइनस करो 0, डबल करके माइनस करो, डबल करके माइनस करो। इस तरफ क्या हो रहा है देखो, मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको डबल करके माइनस करो, डबल करके माइनस करो। तो दोस्तों इसके बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ा कुछ हिंट दे दो मुझे। मैं क्या करता हूँ, रो टू में 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। दूसरा एक बहुत बढ़िया लॉजिक है कि -1 को 4 फोल्ड करके प्लस करो। सो रो टू चेंजेस टू रो टू -4 टाइम्स ऑफ रो 3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा जरा बताइए, यहाँ पे इसको 4 टाइम्स करके माइनस करो, इसको 4 टाइम्स करो -4 और माइनस करो प्लस, तो 1 आ जाएगा। इसको 4 टाइम करके माइनस करो, ये बेचारा 0 जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 -2 2 0 0 0। दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं, इतना लिख लो फिर अगले पेज पे चलते हैं, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट और जल्दी से लिख लीजिए इसे। हाँ देखो मेरा इजी जाता है मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड यूज करिए, आई फील इट इजी टू यूज।
देखा आपने कितनी सहजता से मैंने सॉल्व किया। दोस्तों हम आगे निपटाते हैं इसको। ये वाले रो थ्री में रो थ्री प्लस रो टू कर दीजिए, क्या आ जाएगा बताइए सर। दिस इज 100, इसको ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, सो ये हमारा इनवर्स आ चुका है। दिस इज माय इनवर्स राइट। और इन्होंने क्या कहा है कि इनवर्स क्या है, ए है, ए का स्क्वायर है, ए का क्यूब है, वॉट एवर। सो काट साट के ये लोग सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। समझ रहे हो, इतना आंसर आने के बाद भी खुश नहीं है। देखो ए तो नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। अब इसके लिए आपको ए है, ए का स्क्वायर है, इसके लिए चलो और मेहनत करवा रहे हैं लोग, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कहा कर सकते हैं भैया। चलिए हमारा इनवर्स जो है वो इस तरीके से मिल चुका है। अब सवाल आता है कि ये इसका क्यूब है या स्क्वायर है, उसके लिए हमको ना सेपरेट बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। वैसे अगर आंसर देखा जाए सिक्स का, दे हैव बीन टेलिंग इट्स अ C1, सिक्स का C है। सी मीन्स ए का क्यूब है, ओके। ओके जस्ट अ मोमेंट, आप इतना लिख लो फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना। चलो एक बार ही ना हम इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम इसका क्यूब निकाल, क्या आप खुद निकाल सकते हो क्यूब? आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील बच्चों। ए, ए का क्यूब, ए का स्क्वायर, ये सब निकालना मुझे नहीं लगता बड़ी बात है। सो आई थिंक ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन डेफिनेटली लेंदी था, इसमें कोई दुराय नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यू हैव 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लेट्स सी कौन कर पाता है। सी क्वेश्चन है हमारे सामने, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एक्चुअली मुझे ये आ रहा है, एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफर के बाद इधर आ जाएगा। सो बेसिकली A31 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू कर लोगे बच्चों आप, आई होप इट्स अ डूएबल थिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, यू हैव 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए इनवर्स क्या आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई भी मेहनत है इसमें। एक बार ही आप देखो फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो लेट्स डू द सॉल्यूशन राइट।
ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आए है ना, दिस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आए, सबको ए इनवर्स दे दो दोस्तों, सबको ए इनवर्स दे दो, ए इंटू इनवर्स आए होता है, आए होता है दोस्तों, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस ए, देखा आपने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम कदम बढ़ाते हैं, चलो इसका इनवर्स निकालना है, इट्स ऑल यू हैव टू डू, मैं आपको वन मिनट दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 12th का क्वेश्चन। देखो एक चीज मुझे बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे, मैं उस बारे में थोड़ा सा ख्याल दिलाना चाहूंगा, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप देखो लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं सारे अलग अलग हैं, बाकी देखो ये दो दो जगह सेम दिखेंगे, 257 257 257 और ये वाला भी, तो आप एक काम करो, आप एक काम करो, मिडल वाली वैल्यू है ना उसको सॉल्व करो, समझ में आ रही है, 337 257 746 746 किसी को भी चलो सॉल्व जाने दो, एडजॉइंट मेथड ही लगा लो, उससे तो बेटर है कि एडजॉइंट ही लगा दे, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, एडजॉइंट है फाइंड करना है, किड्स डू यू नो हाउ टू फाइंड एडजॉइंट है, आई थिंक आप सभी को ही आता है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, गिव अ ट्राई, 10 सेकंड दे रहा हूँ, 3 2 1 गो, देखो एक बार ये आ रहा है क्या करना, चलो एक बहुत बढ़िया सवाल पे आते हैं, इसका इनवर्स निकालना है, यू हैव 30 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ, देखो बेसिकली इन इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स की क्या चेंज होती है, प्लेस चेंज, 10 1 10 1 ये रिजेक्ट हो गया, इन दोनों एलिमेंट्स की साइन चेंज, ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू वैसे क्या आ रही है, 10 माइनस 9 1, सो बी इज द करेक्ट आंसर, सो खत्म, फिनिश, ओवर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यू हैव वन मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ।